रियल एनालिसिस का हमारा लेक्चर सिक्स है इसमें हम कुछ इनक्वालिटीज़ को स्टडी करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देखेंगे सबसे फर्स्ट थ्योरम है इफ़ ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव नंबर ए बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो ए इज़ लेस देन बी देन ए इज इज़लो लेस देन बी एंड ए स्केर रूट लेस देयर रूट अब इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि अगर हम ए इज इक्वल टू नाइन लें और बी इज इक्वल टू फोर राइट करें ए बी बोथ आर नॉन नेगेटिव नंबर्स अब इस इस केस में देखें बी जो है वो लेस देन ए है फोर इज़ लेस देन नाइन अब अगर मैं बी पे स्केयर अप्लाई करती हूँ तो वो बी लेस देन होगा ए के स्केयर से बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू तो सिक्सटीन लेस देन एटी वन और अगर बी पे स्केयर रूट अप्लाई करें तो वो लेस देन होगा ए के स्केयर रूट से स्केयर रूट फोर लेस देन स्केयर रूट नाइन टू इज़ लेस देन थ्री तो टू लेस देन है थ्री से तो इस तरह अगर हमारे पास कोई दो नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे और ये कंडीशन होगी फर्स्ट नंबर लेस देन सेंड तो अगर हम फर्स्ट नंबर का स्केयर करेंगे तो वो भी सेंकंड नंबर के स्केयर से लेस देन होगा और फर्स्ट नंबर का स्केयर रूट भी सेंकंड नंबर के स्केयर रूट से लेस देन होगा इसी तरह है कि अगर ए और बी नॉन नेगेटिव नंबर हैं ए बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी स्ट्रिक्टली लेस देन था यहाँ पे इक्वालिटी आ रही है ए लेस और इक्वल टू बी देन ए स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर रूट इज लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर रूट अब इसी कंडीशन में उन्होंने इक्वालिटी की कंडीशन दे दी है कि इसमें इक्वालिटी भी होल्ड कर सकती है नेक्स्ट है अरेथमेटिक एंड जोमेट्रिक मीन इन इक्वालिटी तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अरेथमेटिक मीन क्या होता है और जोमेट्रिक मीन क्या होता है अब कोई भी अगर हमारे पास सीक्वेंस है लेट्स सपोज टू फोर सिक्स एथ सो ऑन ये एक हमारे पास सीक्वेंस है अब ये सीक्वेंस अरेथमेटिक इस सीक्वेंस को हम अरेथमेटिक प्रोग्रेशन या अरेथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे अगर इनका कॉमन हर टर्म का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होगा अगर हम फोर माइनस टू करें तो हमें रिजल्ट टू मिलता है मतलब नेक्स्ट टर्म से उससे उसकी प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है एट माइनस सिक्स करें तो हमें आंसर टू मिलता है मतलब सीक्वेंस के हर दो कंजिक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस है अगर वो सेम होगा तो हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये अरेथमेटिक प्रोग्रेशन है और जो इनका कॉमन डिफरेंस होगा उसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे और अगर हमने इसका अरेथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो अरेथमेटिक मीन के लिए हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट और उसको डिवाइड करते हैं टू पे इस तरह हम किसी भी सीक्वेंस का रेथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं अगर हम इसी सीक्वेंस को कंसीडर करें और मैं टू को ए और बी को सिक्स कंसीडर करूं, तो टू प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय टू विच इज इक्वल टू फोर तो देखें रेथमेटिक मीन जो है इसका फोर है तो ये है अरेथमेटिक मीन अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए बी स्केयर रूट पॉजिटिव नेगेटिव ये है ज्योमेट्रिक मीन और अरेथमेटिक मीन क्या है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू ये ज्योमेट्रिक मीन है और ये अरेथमेटिक मीन है अब यहाँ अरेथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन इन दी गई है जिसमें कहा गया है कि अगर हम ए बी कोई पॉजिटिव नंबर लें देन जोमेट्रिक मीन इज लेस और इक्वल टू अरेथमेटिक मीन और इसकी इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब ए और बी दोनों आपस में इक्वल होंगे तो हम इसको प्रीवियस एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं कि क्या ज्योमेट्रिक मीन लेस और इक्वल टू होता है अरेथमेटिक मीन से अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन हम किस तरह फाइंड करते हैं अगर हम कोई एक सीक्वेंस लें टू फोर सिक्स एट अप टू सो ऑन अब हमने चेक करना है कि क्या ये जोमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं जैसे हमने रेथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए चेक किया कि अगर दो टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो रेथेमेटिक प्रोग्रेशन में होगी जोमेट्रिक प्रोग्रेशन में चेक करने के लिए हम नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को डिवाइड करते हैं फोर डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू मतलब इनका कॉमन रेशियो निकालते हैं लास्ट टर्म माइनस डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म अब देखें फोर डिवाइड बाई टू विच इज इक्वल टू टू सिक्स को डिवाइड करें फोर पे टू टू दर टू थ्री दिक्स ये आंसर रहा थ्री बाय टू इसको जब हम करेंगे एट डिवाइड बाय सिक्स टू थ्री ज़ार सिक्स टू फोर ज़ार एट फोर बाय थ्री इसका मतलब है कि इनकी जो कॉमन रेशियो है वो सेम नहीं आ रही यहाँ पे टू था यहाँ पे थ्री बाई टू यहाँ पे फोर बाई थ्री इसका मतलब ये जो सीरीज है ये अरेथमेटिक मींस में तो थी लेकिन जोमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है इस जोमेट्रिक प्रोग्रेशन में सिर्फ तब होगी जब उनकी कॉमन रेशो सेम आएगी लेट्स थ्री फिफ्टीन सेवेंटी फाइव सो ऑन अब अगर मैं सेंकी टर्म में से सेंकी टर्म पे फर्स्ट टर्म को डिवाइड करूँ फिफ्टीन डिवाइडेड बाई थ्री दिस इज इक्वल टू फाइव और सेवेंटी फाइव को अगर डिवाइड करूँ फाइव पे तो सॉरी फिफ्टीन पे तो ये आंसर आएगा फाइव मतलब हर नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को डिवाइड करने से जो आंसर सेम आ रहा है इसलिए इनकी कॉमन रेशियो सेम है आर इज़ इक्वल टू फाइव है और ये जो सॉरी सीक्वेंस uh, जो है ये है जो मेट्रिक प्रोग्रेशन में अब अगर हम ए और बी दोनों की वैल्यू सीख लें अब हमने ये इन इक्वालिटी प्रूव करनी है कि जो ए बी का जोमेट्रिक मीन है वो लेस और इक्वल होता है उसके अरेथमेटिक मीन से जोमेट्रिक मीन जो है वो लेस और इक्वल है अरेथमेटिक मीन से अरेथमेटिक मीन ए प्लस बी डिडेड बाई टू अब हमने देखना है कि जोमेट्रिक मीन और अरेथमेटिक मीन इक्वल कब होते हैं इनकी इक्वालिटी कब होल्ड करती है तो उसमें कंडीशन थी कि अगर ए और बी हम दोनों इक्वल लें तो जोमेट्रिक मीन और अरेथमेटिक मीन दोनों सेम आते हैं अदरवाइज़ जोमेट्रिक मीन हमेशा छोटा होगा उसके अरेथमेटिक मीन से अगर हम कोई सीरीज निकालें जो अरेथमेटिक उसका अगर अरेथमेटिक मीन लें वो बड़ा होगा उसके जोमेट्रिक मीन से अब इसको चेक करते हैं इस रिज़ल्ट को कि अगर हमने ए की वैल्यू सीख ली और बी की वैल्यू भी सीख ली अब इसका मैं अगर अरेथमेटिक मीन कैलकुलेट करूँ तो रेथमेटिक मीन आएगा ए प्लस बी सिक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय टू विच इज इक्वल टू ट्वेल्व बाय टू विच इज इक्वल टू सिक्स और अगर जोमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया जाए तो ए मल्टीप्लाई बी स्केयर रूट विच इज इक्वल टू थर्टी सिक्स स्केयर रूट एंड दिस इज इक्वल टू सिक्स अब देखें रेथमेटिक मीन और जोमेट्रिक मीन दोनों क्या हैं सेम है तो यही कंडीशन थी कि अगर हम ए और बी दोनों की वैल्यू सेम लें तो उसका जो अरेथमेटिक मीन है वो वही आएगा जो उसका मैट्रिक मीन होगा मतलब दोनों की वैल्यू सेम आएंगी अदरवाइज अरेथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा जो उसके जोमेट्रिक मीन से तो ये अरेथमेटिक और जोमेट्रिक की इन है कि अगर ए और बी हम कोई से पॉजिटिव नंबर लें तो उसका जोमेट्रिक मीन हमेशा उसके अरेथमेटिक मीन से लेस और इक्वल होगा जोमेट्रिक मीन लेस दैन और इक्वल टू अरेथमेटिक मीन और अगर पूछा जाए कि अरेथमेटिक और जोमेट्रिक मीन कब इक्वल होंगे तो जब ए और बी दोनों हम इक्वल लेंगे तो रेथमेटिक और जोमेट्रिक मीन दोनों इक्वल होंगे नेक्स्ट है जनरलाइज्ड अरेथमेटिक मीन इन इक्वालिटी तो इसमें अगर हम ए वन ए टू सो ऑन ए एन पॉजिटिव नंबर लें और इनका जोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करें तो वो कम लेस होगा उसके अरेथमेटिक मीन से यहाँ पे डिवीजन में एन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड नॉलेज इन इक्वालिटी बर्ड इन इक्वालिटी क्या है कि अगर हम एक्स ग्रेटर देन माइनस वन से तो अगर इसको हम सॉल्व करें वन प्लस एक्स को एक्सपेंड करें इसकी पावर एन तो ये कुछ इस तरह होगा वन प्लस एन एक्स प्लस सो ऑन कुछ टर्म्स आएंगी अगर हम इन टर्म्स को निगलेक्ट कर देते हैं और अपना आंसर सिर्फ यहाँ तक रखते हैं तो ये जो इक्वालिटी थी ये वाली टर्म लेस देन हो जाएगी तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम वन प्लस एक्स की पावर एन करें और जो एक्स है वो माइनस वो ग्रेटर देन है माइनस वन से तो ये कुछ इस तरह होगा वन प्लस एन एक्स मतलब इसकी जो पूरी सीरीज थी उसको उसकी जो नेक्स्ट टर्म को हमने अगर निगलेक्ट कर दिया तो ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगी वन प्लस एक्स की पावर एन से इस इन को हम बर्न नॉलेज कहते हैं नेक्स्ट थ्योरम थ्री है कि अगर ज़ीरोस और इक्वल टू ए है और ए लेस देन बी है तो ए का स्केयर लेस और इक्वल टू होगा ए बी की प्रोडक्ट से लेस देन बी स्केयर से अब अगर हम ए की वैल्यू फोर लें और बी की वैल्यू नाइन लें तो फोर का स्केयर करेंगे तो सिक्सटीन आएगा विच इज़ लेस और इक्वल टू नाइन मल्टीप्लाई फोर डेट इज़ थर्टी सिक्स विच इज़ लेस देन एटी वन मतलब बी का स्केयर हमेशा ग्रेटर हो ए बी की प्रोडक्ट से और ए के स्केयर से तो आप देखें कि ये इनक्वालिटी जो है अगर ए जो है वो जीरो से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा तो ये होल्ड कर रही है नेक्स्ट है कि अगर ए बी से छोटा है और जो ए है और ग्रेटर देन है जीरो से ए लेस देन होगा उसके ए और बी के प्रोडक्ट के स्केयर रूट से और बी इससे ग्रेटर होगा तो ये इन होल्ड होल्ड करी है ये इसी जो थ्योरम थर्ड है उसी को ही नेक्स्ट एक्सपैंड किया हुआ है। नेक्स्ट थ्योरम नंबर फाइव है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर ए बी हमने कोई रियल नंबर लिए उसके जो अरेथमेटिक मीन का स्केयर है वो हमेशा लेस देन होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइडेड बाय टू और ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे मतलब कोई भी हम दो नंबर लेंगे और उसका रेथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे और उसका अगर स्केयर करेंगे तो वो इससे छोटा आएगा हम इसको देख लेते हैं कि अगर हम ए इज़ इक्वल टू टू लिखें और बी इज इक्वल टू सिक्स राइट करें इसका रेथमेटिक मीन आएगा टू प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय टू डेट इज़ फोर यहाँ पे आएगा फोर का स्केयर लेस और इक्वल टू की कंडीशन लगाएंगे which is equal to 4, तो ये जो है ट्वेंटी से ये कंडीशन होल्ड कर रही है कि अरेथमेटिक मीन का अगर हम स्केयर कैलकुलेट करेंगे तो वो लेस देन होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइडेड बाई टू और अगर हम ए और बी दोनों को इक्वल लेंगे तो ये इक्वालिटी होल्ड करेगी इसकी इक्वालिटी को भी चेक कर लेते हैं कि अगर ए इज इक्वल टू सिक्स लें और बी इज इक्वल टू सिक्स राइट करें इसका जो अरेथमेटिक मीन है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू वो आएगा सिक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई टू ट्वेल्व बाय टू विच इज इक्वल टू सिक्स अगर हम सिक्स का स्केर करें तो वो लेस और इक्वल टू होना चाहिए था ए स्केयर मतलब सिक्स स्केयर प्लस सिक्स स्केयर डिवाइडेड बाय टू थर्टी सिक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स तो ये इक्वालिटी आ गई सिक्स का स्केयर करेंगे प्लस थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो थर्टी सिक्स आ जाएगा तो ये इक्वालिटी होल्ड करिए अगर हम ए और बी को इक्वल लिखें नेक्स्ट है थ्योरम सिक्स अगर सी लेस देन है वन से और ग्रेटर देन है जीरो इसका मतलब है कि सी ज़ीरो और वन के दरमियान लाए कर रहा है अगर हम सी का स्केयर करेंगे तो वो लेस देन होगा सी से और लेस देन होगा वन से तो वन से छोटे जितने भी नंबर हैं जब हम उसका स्केयर कैलकुलेट करते हैं तो वो जो रीजनल नंबर है उससे कम आएगा लेट्स पोज ज़ीरो पॉइंट वन सी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन अगर हम सी का स्केयर लिखें तो वो होगा जीरो पॉइंट जीरो वन, विच इज लेस देन सी तो सी स्केयर जो है लेस देन है सी से विच इज लेस देन वन और ये बोथ जीरो और वन इंटरवल में लाया करेंगे इन केस अगर सी जो है जीरो वन के दरमियान में होगा लेकिन अगर हम वन से कोई बड़ा नंबर लें तो उसका स्केयर हमेशा ग्रेटर होता है ओरिजिनल नंबर से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टू है तो टू का स्केयर हमेशा टू से बड़ा होगा नेक्स्ट है थ्योरम सेवन अगर c ग्रेटर देन वन है तो ये ही वाली कंडीशन है कि अगर वो वन से बड़ा होगा फॉर एग्जाम्पल c इज़ इक्वल टू फोर है c का स्केयर करेंगे सिक्सटीन तो c स्केयर हमेशा बड़ा होगा c से इन केस अगर c ग्रेटर देन है वन से और अगर इक्वल टू वन है तो इक्वलिटी होल्ड करेगी मतलब सी इज इक्वल टू सी स्केर नेक्स्ट थ्योरम नंबर एट अगर सी जीरो और वन के दरमियान लाई कर रहा है तो सी की अगर हम पावर एन लेंगे तो वो लेस और इक्वल टू होगी सी से यही बात जो है इसको जनरलाइज किया गया है और जो सी एन है वो लेस देन होगा अगर एन ग्रेटर देन अब इक्वालिटी होल्ड करेगी अगर हम नेचुरल नंबर से लेंगे और अगर हम एन से बड़ा कोई नंबर लेंगे तो ये क्वालिटी होल्ड नहीं करेगी सी एन जो होगा वो लेस देन एन अब इसी थ्योरम नंबर सिक्स को जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है कि अगर हम उसकी कोई भी पावर लेंगे तो वो सी से छोटी आएगी और इन केस अगर वो ग्रेटर देन है तो ये सी एन जो है वो बड़ा होगा जैसे थ्योरम नंबर सेवन है कि सी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है सी से इसी को जनरलाइज फॉर्म में इस तरह लिख दिया है और अगर हम एन ग्रेटर देन वन लें तो ये इक्वालिटी नहीं होगी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा सी एन ग्रेटर देन सी नेक्स्ट है अगर सी जीरो और वन के दरमियान में लाइक कर रहा है और एम एन कोई भी नेचुरल नंबर हैं सी एम लेस देन होगा सी एन से इफ़ एंड ओनली इफ़ एम ग्रेटर देन एन मतलब जिसकी पावर बड़ी होगी वो लेस होगा बिकॉज हम जितनी छोटी वैल्यू का स्केयर करेंगे अगर मैं जीरो पॉइंट वन लेती हूँ जीरो और वन के दरमियान अब ये लाइ कर रहा है जीरो वन इंटरवल में अगर इसकी पावर मैं थ्री करती हूँ तो इसका आंसर लेस आएगा टू से जितनी छोटी वैल्यू का हम उसकी पावर इंक्रीज करते हैं तो उसका आंसर छोटा आता है इसलिए यहाँ पे कंडीशन है कि जो सी एम होगा वो लेस देन होगा सी एन से अगर एम उसकी जो पावर है वो ग्रेटर है और ये रिवर्स हो जाएगा इन केस अगर वो पॉजिटिव नंबर है अभी मैंने राइट किया ज़ीरो पॉइंट वन जो है अगर उसकी पा उसका स्केयर करें तो वो लेस देन आता है ज़ीरो पॉइंट वन से अब यहाँ पे पावर देखें यहाँ पे इसकी पावर वन है एम की वैल्यू वन है यहाँ पे एम की वैल्यू, वैल्यू सॉरी एम की वैल्यू इधर टू है इधर एम की वैल्यू वन है तो अगर पावर बड़ी होगी और वो जीरो वन इंटरवल में लाए कर रहा है तो वो छोटा होगा दूसरे नंबर से और अगर जीरो वन नहीं वन से ग्रेटर नंबर है एक्स जो है वो ग्रेटर देन वन है तो ये कंडीशन रिवर्स हो जाएगी सी एम जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा सी एन से नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू डेफिनेशन देखते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर रियल नंबर ए इज़ डिफाइन एज़ अब एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ये इक्वल टू ए होगा अगर ए पॉजिटिव नंबर होगा और इक्वल टू ज़ीरो होगा अगर ए ज़ीरो होगा और इक्वल टू माइनस ए होगा अगर ए लेस देन जीरो होगा फॉर एग्जांपल अगर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है फ़ाइव की तो अगर फाइव पॉजिटिव है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा फाइव अगर एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है माइनस फाइव की अब देखें ए जो है अगर नेगेटिव होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी माइनस ए विच इज इक्वल टू फाइव मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो किसी भी नंबर की पॉजिटिव वैल्यू होती है और ये जीरो होगा जब ए की वैल्यू जीरो होगी नेक्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर अब हमने कोई दो रियल नंबर्स लिए हैं अगर हम x और y को मल्टीप्लाई करें और उसका एब्सल्यूट कैलकुलेट करें तो वो इक्वल होगा x के एब्सोल्यूट और y के एब्सोल्यूट से अब इसको हम किसी एग्जांपल से देख लेते हैं अगर x इज इक्वल टू टू राइट करूँ और थ्री y इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई की प्रोडक्ट जो है इसको माइनस थ्री लिख लेते हैं अब एक्स वाई की जो प्रोडक्ट है उसका एप्सल्यूट विच इज़ इक्वल टू थ्री टू जार सिक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू डेट इज़ माइनस सिक्स माइनस सिक्स का एप्सल्यूट लेंगे तो वो सिक्स आ जाएगा अब अगर एब एक्स का एप्सल्यूट लें तो वो टू आएगा वाई का एप्सोल्यूट लें तो वो थ्री आएगा अब इन दोनों की अगर प्रोडक्ट करें तो वो सिक्स आएगा तो इसका क्या मतलब है कि जो एक्स वाई का एब्सल्यूट है उसकी प्रोडक्ट का वो एक्स के एब्सोल्यूट और वाई के एब्सोल्यूट के इक्वल है नेक्स्ट सेंकित है कि अगर एक्स के एब्सल्यूट का स्केयर करें तो वो एक्स के स्केयर के इक्वल होता है नेक्स्ट थर्ड वन है कि अगर ए कोई नॉन नेगेटिव नंबर है ए ग्रेटर इक्वल टू जीरो है देन एब्सल्यूट ऑफ ए लेस इक्वल टू ए इफ़ एंड ओनली इफ माइनस ए लेस इक्वल टू एक्स लेस ऑर इक्वल टू ए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं कुछ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई इक्वेशन दी गई है टू एक्स प्लस वन अब इसका एब्सल्यूट अगर हमने कैलकुलेट करना है लेस देन टू अब अगर हमने इसका एप्सोल्यूट कैलकुलेट करना है तो टू एक्स प्लस वन को हम कुछ इस तरह राइट करेंगे टू एक्स प्लस वन लेस देन टू और ग्रेटर देन माइनस टू टू एक्स अब ये वन इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस वन टू एक्स लेस देन टू माइनस वन विच इज़ इक्वल टू माइनस थ्री लेस देन टू एक्स लेस दैन वन यहाँ से एक्स हमें मिलेगा माइनस थ्री बाई टू लेस than एक्स लेस than वन बाय टू ये कुछ इस तरह है माइनस थ्री बाई टू लेस दैन एक्स लेस दैन वन बाय टू मतलब एक्स जो है वो माइनस थ्री बाई टू और वन बाई टू के दरमियान लाया कर रहा है तो इसको इस रिजल्ट को हम इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं अब ये इसका सोल्यूशन है जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू थी नेक्स्ट है कि अगर एक्स में वाई को प्लस करें और इसके एप्सल्यूट कैलकुलेट करें तो वो लेस और इक्वल टू होगा एक्स के एप्सल्यूट प्लस वाई के एप्सल्यूट से और ये इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब ये दोनों ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होंगे इसको हम किसी एग्जाम्पल से देख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू थ्री लिया जाए और वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई इसको माइनस टू लिख देते हैं एक्स प्लस वाई थ्री माइनस टू विच इज इक्वल टू वन अगर एक्स का एब्सोल्यूट लें और वाई का एब्सोल्यूट लें तो ये आएगा थ्री प्लस टू विच इज इक्वल टू फाइव तो यही हमारी इनक्वालिटी थी कि एक्स प्लस वाई का एब्सोल्यूट जो है वो लेस देन है एक्स के एब्सोल्यूट और वाई के एब्सोल्यूट से और इक्वालिटी तब आएगी जब ये इक्वालिटी तब आएगी जब हम एक्स और वाई दोनों इक्वल लेंगे या उनको सॉरी एक्स वाई इक्वल नहीं एक्स और वाई को ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो राइट करेंगे पॉजिटिव नंबर लेंगे पॉजिटिव नंबर का क्या मतलब है अगर इधर मैं टू राइट करूं तो ये आएगा थ्री प्लस टू विच इज़ इक्वल टू फाइव तो ये दोनों आपस में क्या आ गए इक्वल आ गए नेक्स्ट है कि अगर एक्स के एप्सल्यूट में से माइनस करें वाई के एप्सोल्यूट को और उसका एप्सल्यूट कैलकुलेट करें तो वो लेस देन होगा एक्स माइनस वाई के एप्सल्यूट से इसी तरह एक्स माइनस वाई का एप्सल्यूट एक्स के एप्सल्यूट प्लस वाई के एप्सल्यूट से लेस होगा सेवन वन जो है ये है ट्राइंगल इन इसमें वो क्या कहते हैं कि एक्स माइनस वाई का एप्सल्यूट जो है वो लेस देन होगा एक्स माइनस वाई के एब्सोल्यूट और वाई माइनस जी के एब्सोल्यूट से ट्राइंगल इनिक्वालिटी क्या कहती है कि सम ऑफ टू साइड जो है वो हमेशा बड़ी होती है थर्ड साइड से इस तरह x माइनस वाई का अगर एब्सोल्यूट कैलकुलेट करें तो वो लेस देन होगा x के एब्सोल्यूट माइनस वाई के एब्सोल्यूट से तो इनको हम कुछ इस तरह भी राइट कर सकते हैं x प्लस वाई लेस देन है लेस और इक्वल टू है एक्स के एब्सोल्यूट से प्लस वाई के एब्सोल्यूट से और एक्स प्लस वाई का जो एब्सोल्यूट है ये वाली मैंने फर्स्ट कंडीशन लिखी और इसी तरह ये सेपरेट जो है ये ग्रेटर है एक्स माइनस वाई के एब्सोल्यूट से और एक्स माइनस वाई का जो एब्सोल्यूट है वो लेस देन है एक्स के एब्सोल्यूट माइनस के से और अगर इसका हम डबल एब्सल्यूट कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू उससे बड़ी आ जाएगी तो ये कुछ इस तरह की इनिक्वालिटीज हैं एम सी क्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको आपने याद करना है नेक्स्ट है अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं अगर हमने ए बी का मिनिमम फाइंड करना है तो वो कुछ इस तरह से हम फाइंड करेंगे कि ए बी को ऐड करेंगे उसमें से उसके ए माइनस बी के एब्सोल्यूट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और टू पे डिवाइड करेंगे और अगर मैक्सिमम फाइंड करना है तो ए बी को ऐड करेंगे ए माइनस बी के एब्सोल्यूट को उसमें ऐड करके टू पे डिवाइड करेंगे अब इसको किसी एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि अगर हमने मिनिमम फाइंड करना है टू और थ्री का टू और थ्री का अब यहाँ पे ए जो है वो है टू और बी क्या है थ्री तो टू तो प्लस थ्री राइट करें इसमें से माइनस करें टू माइनस थ्री एप्सल्यूट और डिवाइड करेंगे टू पे टू प्लस थ्री फाइव और इसमें से माइनस करेंगे एब्सोल्यूट लेंगे विच इज़ इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय टू फोर बाई टू विच इज़ इक्वल टू टू तो मिनिमम क्या है टू तो आप देख सकते हैं इन दोनों में मिनिमम जो है वो है टू इसी तरह आप मैक्सिमम को चेक कर सकते हैं नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एक्स प्लस वाई स्केयर रूट लेस देन स्केयर रूट ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस स्केयर रूट ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ वाई और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट लेस देन मॉड ऑफ सॉरी एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट ऑफ वाई अगर एस एक्स कोई भी रियल नंबर है और एक्स ग्रेटर देन है वन से पी क्यू रेशनल नंबर हैं पी और क्यू दोनों ग्रेटर देन जीरो हैं पी क्यू से ग्रेटर है तो ये इन इक्वालिटी होल्ड करेगी एक्स पावर पी माइनस वन लेस देन पी लेस देन एक्स की पावर पी माइनस वन लेस देन क्यू